दो के चक्कर में पड़ोगे ना तो डेफिनेटली फंसोगे, और सरकार यही चीज़ जो है चाह रही है। तो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, सबसे पहले जो भी मैं चीज़ें लिख रखी है मैंने थंबनेल में, वो चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखनी है दोस्तों, विद प्रूफ के साथ मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूँ, ठीक है। देखो क्या सच में जो है इतने ही पद खाली हैं, ठीक है, जो कि विभाग ने आदेश जारी किया हुआ है उसके बारे में बताऊँगा दोस्तों मैं इस वीडियो में, ठीक है। देख सकते हो आप लोग न्यूज़ पेपर में जो है एकदम भाई इतनी न्यूज़ जो है आ चुकी हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो सच्चाई जो है कोई भी नहीं बता रहा है। देखो दोस्तों ये जो है सीएम साहब हमारे मीटिंग पे लगे हुए हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या मीटिंग करने पे लग रहे हैं, ठीक है, बट कोई भी जो है वो सच्चाई के ऊपर बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। देखो दोस्तों ये देख सकते हो हमारे शिवराज मामा हैं, उनके झूठे वादे जो हैं वो कैसे कैसे हैं, ठीक है, तो पढ़ सकते हो आप लोग। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें दोस्तों, ये देख सकते हो आप लोग प्रदेश में जो है वो 7429 जो है प्राइमरी टीचर्स की होगी भर्ती, ठीक है। तो अभी भी जो है ये ट्विटर पे डाला हुआ था और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में आ चुका है, ठीक है, और आप लोग पहले इसमें पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद भी मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो पहले ये चीज़ आप लोग देख लो ध्यान से, बिल्कुल देखो इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है प्रदेश में 7429 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती होगी, इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ठीक है। स्कूलों में नियुक्ति के लिए इनके पदस्थापना आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। इसी महीने की शुरुआत में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में इन शिक्षकों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। स्कूल शिक्षा विभाग में इनकी भर्ती के लिए, ठीक है, इनका जो वायदा है ना वो जारी है, ठीक है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सोमवार को मंत्रालय में बुलाई गई समीक्षा बैठक में विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी, ठीक है। प्रदेश में ऐसे 11,000 प्राइमरी टीचर्स की जो है भर्ती होनी है, ठीक है, साल में 11 साल देखो हो चुके हैं और 11,000 पदों की बात जो है की जा रही है, ठीक है। बट अभी जो है निकल के आ रहा है, एक जो है न्यूज़ निकल के आ रही है वो क्या है कि 7,000 ही जो है वो पद हैं। देखो दोस्तों मैं ये आप लोगों को फेसबुक का दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश का ऑफिशियल अकाउंट है ये, ठीक है। तो इसके बारे में देख लो एक बार, देखो इतने जो है पद की इनकी बात जो है संचालन की बात चल रही है, ठीक है, नई नई चीज़ें कर रहे हैं लोग, बट जो पुरानी चीज़ें हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो दोस्तों इसी के मारे जो है वो पूरा बवाल मचा हुआ है, क्या है देखो, ये हमारी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रदेश में 7429 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी, ठीक है, और ये जारी है, ठीक है। तो इसी के बारे में जो है बातचीत ज़्यादा चल रही है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा। देखो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि कितने पद जो है खाली, पहले आप लोग ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लो दोस्तों। देखो ये पूरा जो है जो कि शिवराज चौहान जो है कर रहे हैं तो उनके बारे में है, ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, तो प्रीवियस मैंने आप लोग वीडियो दिखाई थी, ये देखो दोस्तों जैसा कि मैंने कल दिखाया था कि 10 लाख जो है उम्मीदवार थे, उसमें 30% यानी 3 लाख जो है वो उम्मीदवार जो पास किए गए थे और 11,000 पदों की जो है घोषणा की गई थी, ठीक है। एंड देखो ये जो है जो पद है ना आपके, ये किस चीज़ के पद हैं और किस किस चीज़ों के बारे में निकला हुआ वो मैं बिल्कुल जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। सबसे पहले देखो दोस्तों मेन चीज़ क्या है, हमें यूनिटी बनानी है, ठीक है, तभी जो है चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। यदि आप लोग इन्हीं विवादों में लगे रहोगे कि पदों की संख्या क्या है, क्या पद बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। हमारा सिर्फ मेन टारगेट है पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, मिनिमम 51,000 तो पद होने ही चाहिए, ठीक है। ये हमारा लगातार दोस्तों प्रयास चल रहा है, आप लोगों को भी पता है कि लगभग जो है 51,000 के करीब तो पद होने ही चाहिए, प्लस हमारी डिमांड चल रही है, ठीक है। बट यदि आप लोगों का सपोर्ट हो डेफिनेटली जो है ये चीज़ें संभव हो पाएंगी दोस्तों। ये जो है जो चीज़ चल रही है ना कि इतने पद हैं, ये सरकार का क्या है, एक घुमाने का जरिया है, ठीक है, बच्चों को जो है घुमाया जा रहा है, ठीक है। अभी 7,000 की बात कर दी, अब आप लोग क्या है 11,000 में ही खुश हो जाओगे, क्योंकि यदि सरकार ने क्या करा इतने कम पे जो है, ये सब खेल होते हैं, सरकार की चालाकी होती है, आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे समझ चुके हैं तो वो जो है ज़्यादा इन सब चीज़ों पर नहीं पढ़ते, ठीक है, बस उनका एक ही डिमांड होती है 51,000 सर पद करवाइए ही करवाइए, ठीक है। और ट्विटर आंदोलन कितने चल चुके हैं, आप लोग जो है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करो, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ये चीज़ भी, 11,000 जो पद खाली पड़े हुए हैं ये मैंने पिछली बार बताया था, ठीक है। और देखो हर साल जो है आप लोगों को भी पता है दोस्तों 5,000 के करीब क्या होते हैं टीचर जो हैं वो हर साल रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, जो कि निकल के आया हुआ है, ठीक है, रिटायर हो जाते हैं, बट वो पद जो है कहाँ जाते हैं, ठीक है।
देखो सरकार का सिर्फ मेन ही एक ही मुद्दा है, क्या है वो, सिर्फ पैसे को बचाना, ठीक है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने यदि ध्यान से सुना हो तो, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो दोस्तों आप लोग, इन भाई ने जो है बिल्कुल सच्चाई जो है वो बताई है, ठीक है, और ये भाई रियलिटी है, न्यूज़पेपर वाले भाई कुछ नहीं करते, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाना, ठीक है, और ये बनाते हैं और आप लोग बनते हो। देखो काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं, जेन्युइन जो बच्चे होते हैं, उन्हें पता होता है कि चीज़ें क्या हैं, ठीक है। देखो मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को, देखो जो ये पदों की बात चल रही है ना कि 7429 पदों की बात चल रही है दोस्तों, ये DPI के द्वारा जो है जारी की जाएंगे, ठीक है। और ये देखो आप लोग इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो तो ही अच्छा है, ठीक है। और आप लोग देख लो जो कि हमारे पद हैं 3571 के करीब जो पद हैं वो जो हैं वो ट्राइबल के द्वारा जो हैं वो भरे जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके जो है टोटल आपके 11,000 के करीब पद बनते हैं, जो कि डिपार्टमेंट में जो कैंडिडेट्स हैं बैठे हुए हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन्होंने चीज़ें ये बताई हुई हैं, ठीक है। बट आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है, और ये जो है आप लोग क्या अब देखो इन्हीं चीज़ पे आप लोग खुश हो जाओ कि हाँ भाई 11,000 हो गए पद, बट यार इन सब चीज़ों पे आप लोगों को सिलेक्शन नहीं होने वाला। यदि आप लोगों की रैंक जो है ज़्यादा बन रही है ना, डेफिनेटली इस पर नहीं होएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उसमें ज़रूर सपोर्ट करना है। देखो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जिनको गुस्सा है वो देख सकते हो आप लोग, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट भी किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने अलग अलग जगह से कमेंट लिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो आप लोग, सतीश यादव ने कमेंट किया हुआ है, ठीक है। देखो इतना ही जो है, ये देखो हमें अब हमें जल्दी से जल्दी भोपाल चलना होगा, वर्ग 3 में पदों के 51,000 होना चाहिए, सभी वर्ग 3 क्वालिफाई अभ्यर्थियों सहयोग करें, अधिक से अधिक ट्विटर करें और अपने क्षेत्रीय विधायक जी को ज्ञापन सौंपा जाए, और डेट फिक्स होनी चाहिए, जो भोपाल चलेंगे उसकी डेट फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल इन्होंने बात बिल्कुल सच बोली है दोस्तों, ऐसा ही जो है हमें करना होगा, ठीक है। आप लोगों के काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन चीज़ों का जमाना है, ठीक है, तो यदि आप लोग ऑफलाइन चीज़ें नहीं कर सकते तो ऑनलाइन तो कम से कम सपोर्ट करो दोस्तों, ट्विटर पर ट्वीट तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज़ बस यही है, ये देख सकते हो आप लोग दोस्तों, जो कि CM राय स्कूलों में 240,818 जो विद्यार्थियों का नामांकन, राज्य ये देखो आगे शासन की उपलब्धि, मुख्यमंत्री देखो ये जो है अपनी उपलब्धियां ही गिनाएंगे, ठीक है, जो इनके मेरिट्स हैं वो भी गिना हो जाएंगे अपने, और डीमेरिट जो है बिल्कुल नहीं गिनाएंगे ये, ठीक है। इनका भाई काम ही यही है, ठीक है, तभी ये लोग जो है नेता वगैरह बनते हैं, ठीक है। और हम लोग जो हैं वो बेवकूफ़ी की तरह जो है ये सब चीज़ें करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, सभी को जो है यूनिटी बनानी होगी, ठीक है, एक साथ जो है आना पड़ेगा, तभी जो है चीज़ें संभव हो पाएंगी दोस्तों। बस मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि सभी लोग यूनिटी बनाओ, तभी चीज़ें संभव हो पाएंगी, और जब भी कोई भी आंदोलन हो उसमें ज़रूर आप लोग पार्टिसिपेट करो, ठीक है। नेक्स्ट ट्विटर कैंपेन कब होने वाला है दोस्तों, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो सभी को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना दोस्तों बस यही इन्फॉर्मेशन थी, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत। ए जो चला ले जो